कितना केजी पे प्याज डालते हैं आप लोग? यहाँ पे मटन आ गया, हे बिहारी चटोरा फैमिली कैसे हो गाइस? तो भाई अभी जस्ट आपको कार्तिक उतरा है तो मटन चिकन का आइटम सब होना चाहिए ना। तो गाइस आज हम लोग आए हैं ललन का ढाबा पे और यहाँ पे आपको मटन का आइटम सब आपको ट्राई करके दिखाएंगे और प्लस मेकिंग भी दिखाते हैं। चलिए गाइस पहले भैया से बात करते हैं, उसके बाद मेकिंग और उसके बाद टेस्ट का रिव्यू देते हैं आपको। लेट्स गो गाइस। क्या नाम हुआ भाई आपका? मेरा नाम अमन ज्योति हुआ। अच्छा, और ये दुकान आपको कब से है? 1950 से यहीं पर आपको ये दुकान है। तो मेन्यू में क्या क्या आप रखते हैं? आप बहुत सारा आइटम है, पनीर का आइटम सारा है, मटन फेमस है यहाँ का, पनीर में कढ़ाई पनीर सबसे बढ़िया बनता है। अच्छा, और पनीर, बटर मसाला, चिकन मसाला, हर चीज़ का मेन्यू में जो जो रेस्टोरेंट का डिश है ना ढाबा में हम लोग अवेलेबल किए हुए। अच्छा, और मिस्त्री भी रखे हुए हैं बढ़िया, खुद भी अपने आप भी कट लगे रहते हैं। और अगर ऑर्डर करना हो तो ऑर्डर के लिए भी कुछ है यहाँ पे? होम डिलीवरी सुविधा उपलब्ध है पूरा, हर चीज़। अगर 5000 रुपये का रहा है तो 12-10 किलोमीटर भी पहुंच जाएगा। अच्छा। ऐसे नॉर्मल 2-3 किलोमीटर तक का उसमें 300 रुपये तक के होम डिलीवरी दे देते हैं। अच्छा, और इसका लोकेशन क्या होगा किसी को आना हुआ तो? अगर मुजफ्फरपुर से चल रहे हैं तो मुजफ्फरपुर चांदनी चौक से 12 किलोमीटर पड़ेगा जी, मतलब रोड साइड ही है। अगर मोतिहारी से आ रहे हैं तो छिन्नमस्तिका मंदिर से एकदम बिल्कुल सटे हुए हैं। और गाइस लोकेशन आपको हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, ऐसे वहाँ पे आप गूगल मैप से डायरेक्टली आप यहाँ पे आ सकते हैं। तो चलिए भैया हम लोग को भी आप टेस्ट कराइए और उसके बाद फिर आप लोग को भी गाइस बताते हैं कैसा लगा। थैंक यू भाई। यहाँ पे आपको प्याज कटिंग किया जा रहा है, देख सकते हैं मटन का यहाँ पे प्याज कटिंग हो रहा है। इसके बाद यहाँ पे आपको धुलाएगा, ये सब सारा को वॉश किया जाएगा, उसके बाद फिर बनेगा। ढेर सारा गाइस यहाँ पे देख सकते हैं आपको प्याज कट गया है हमारे मटन के लिए। तेल है ये नेचर फ्रेश का। अच्छा, खीरा हो गया है यहाँ पे, लाल मिर्चा हो गया, फोरन, अच्छा तेज पत्ता, ये सब हो गया यहाँ पे आपको। ये हो गया लहसुन का पेस्ट, जिंजर गार्लिक पेस्ट। अब हल्का सा प्याज डला रहा है यहाँ पे, वही पेस्ट हो गया यहाँ पे। कितना केजी पे मटन अभी बनने जा रहा है? 13 केजी करीब आपको अभी मटन बनेगा, शाम में भी एक टाइम अच्छा बनेगा। और यहाँ पे प्याज डला रहा है। कितना केजी पे प्याज डालते हैं आप लोग? 8-9 केजी करीब प्याज आपको यहाँ पे डलाता है। यहाँ पे आपको नमक डला रहा है। कितने देर प्याज भी आपको यहाँ पे मतलब भुजाता है? 20-25 मिनट आपको प्याज धीमा आंच पे या हाई धीमा आंच पे भुजाता है अच्छे तरीके से। मटन का प्याज गैस पूरा एकदम अच्छे तरीके से भुजा गया है। मटन का मसाला सब जा रहा है, चिली पाउडर, ये आपको हल्दी है, ये आपको लाल मिर्च हो गया। और अब पूरे ग्रेवी में मिक्स अच्छे तरीके से कर लिया जा रहा है यहाँ पे। प्याज में पूरा इसका कलर पकड़ेगा इसके बाद। 10 मिनट तक अभी आपको लाल होगा यहाँ पे अच्छे तरीके से, उसके बाद फिर मटन डलाएगा। यहाँ पे मटन आ गया गाइस जो कि पहले से वॉश किया गया, मीन्स धुला के है। बाकी अब यहाँ पे मटन डला रहा है ढेर सारा। यहाँ पे मटन आ गया, अब इसको अच्छे तरीके से बस मिक्स करके उसके बाद फिर सिझाना है, मीन्स पकाना है। इसके बाद कितने मिनट लगेंगे भैया मटन पूरा अच्छे तरीके से कुक होने में? इसको बनने में? हाँ, 20 मिनट में बन जाएगा पूरा। हम ये कौन सा ब्लैक पेपर, गरम मसाला? ठीक, आपको गरम मसाला अपना आप लोग पीसते हैं? अपना बनाते हैं। अच्छा, सुगंध गाइस बहुत बढ़िया आ रहा है मटन का अभी से ही। अच्छा, मीट मसाला, स्मेल भी इससे और उठा लिया। चावल भी वो चाहिए, कितना चावल चाहिए? हाँ, बन गया पूरा अच्छे तरीके से मटन, पूरा लाल लाल ग्रेवी लिए हुए। तो गाइस यहाँ पे मटन आ गया है और इसका प्राइसिंग की बात किया है तो 120 रुपये प्लेट है आपको।
चलिए अब इसको ट्राई करते हैं, उसके बाद आपको टेस्ट बताते हैं। ग्रेवी डाल देते हैं अच्छे तरीके से। चलिए गाइस अब पीस तोड़ते हैं, उसके बाद ट्राई करते हैं इसके अच्छा तरीके से। ग्रेवी में पहले सान लेते हैं, उसके बाद फिर ट्राई करते हैं। तो ट्राई करते हैं गाइस, देख सकते हैं आप। और गाइस अगर टेस्ट का बात किया जाए तो ये आपको तीतापन उठाए हुए, प्लस जो इसका ग्रेवी है थिक है, ये चीज़ अच्छा लगा मेरे को। और जो तीतापन और जो अंदर इसका जो फ्लेवर है, जो कि मसाला ये सब की वजह से आ रहा है, वो अच्छा आ रहा है। और बात किया जाए मटन का, तो मटन एकदम आपको सॉफ्ट नहीं है, और भाई मटन सॉफ्ट अच्छा भी नहीं लगता, हल्का सा करा है, मीन्स कि कुक्ड अच्छा हुआ है। जो मटन रहना चाहिए उसी टाइप का कुक हुआ है, अब ओवर कुक नहीं है, जितना नॉर्मल कुक रखता है उतना कुक्ड है मटन। गाइस मटन लो फ्लेम पे कुक आपको हुआ है, तो उसके वजह से जो टेस्ट है ना इसका मटन का खिल के आ रहा है देख तरीके से आपको। तो भैया कैसा लगा आपको यहाँ का मटन? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा है, पहली बार ट्राई किया यहाँ? हमेशा यहाँ पे आते हैं? पहली बार है। कंटिन्यू आते हैं यहाँ पे आप? अच्छा, मतलब कितना रेटिंग देना चाहेंगे अगर 10 आपको पॉइंट दिया जाए तो? 10 दीजिएगा। और हमेशा आना चाहेंगे यहाँ पे? थैंक यू मैम। गाइस ओवरऑल अगर यहाँ का बात किया जाए तो 120 रुपये में हाफ प्लेट आपको था मटन जो हम खा रहे थे, तो भाई उसके हिसाब से तो बहुत सही लगा मेरे को यहाँ पे। और टेस्ट भी बहुत अच्छा था यहाँ पे, ज़्यादा ऑयली नहीं था, टेस्ट बढ़िया था। आके यहाँ पे आप एक बार ट्राई कर सकते हैं, मेरे तरफ से रिकमेंड है। और गाइस अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और कमेंट कीजिए। थैंक यू गाइस, बाय बाय, फिर मिलते हैं नए से व्लॉग में। बाय बाय।